दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कभी से यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ नौ करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का एक करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉटन टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लिडका इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन, श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस ऑफ स्टार पर अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टार पर देख सकते हैं और अगर आप टी वी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो तो टी वी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टी वी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है वो तो स्टार गोल्ड रैम के टी वी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स से तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर होने की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के गफूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकपास्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजीनी प्लस हॉटस्टार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे वो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टीवी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम टेम्पल पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूँगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ नौ करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का एक करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोटेन एन टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथेव थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोखू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस स्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस स्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं और अगर आप टी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है वो स्टार गोल्ड रैम के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिज्नी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैन होने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते हैं वास्तव तो में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के गफूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉक होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजीनी प्लस हॉफ्टार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फिलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टीवी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटीआर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए है डिजनी प्लस हॉटस्टार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल प्रेमलू है दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ नौ करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का एक करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये यह समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहाद बाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोट एन टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम जरूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ्टी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिसव ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेट किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस ऑफटर पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस ऑफटेयर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस ऑफटेयर पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टी वी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टी वी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है वो स्टार गोल्ड रैम के टी वी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी वी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रेहन की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूँगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टीवी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गजब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथेव थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खीसव ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों यह है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेट किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनो ने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हॉफ स्टार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फ़िल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ नौ करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का एक करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहाद फाजिल श्याम पुष्करन और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम जरूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिसव ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों यह है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिज्नी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लैफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनो ने की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के कपूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस ऑफ्टार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमल है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खी ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस ऑफटार पे जी हां आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो तो टी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रेहनु ने की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते हैं वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हफ्तार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गजब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमल है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबास्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहाद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोखू किसों ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस ऑफटर पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस ऑफ्टर पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो तो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहा मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लैफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनोनी की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नसलन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस ऑफ्टार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल है दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद फाज़िल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खी ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैब से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लैब में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यू जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रेहनों होने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आईटी कर रही होती है वहाँ पे नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे तो फिर ये आपको यूटूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर ये हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पे रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद फाजिल श्याम पुष्करन और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लिड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनौनी की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्ल के कपूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छी मिलेंगी हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदास आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गजब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फाह फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खी ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट से तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहा मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैब से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रेहनु ने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते हैं वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रेनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के कपूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि इस सटी आर काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूँगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये यह समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद बाजिल श्याम पुष्करन और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लिड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोखू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों यह है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनौनी की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूटूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूटूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टीवी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदास आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो 2024 में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक बास्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद फाज़िल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथेव थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोखू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम के टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर होने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रेनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हफ्तार पर वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोखू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनोनी की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के कपूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदास आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे YouTube पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का एक करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक बास्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम जरूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिसव ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो तो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनो ने की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आईटी कर रही होती है वहाँ पे नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रेनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नसलिन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगी हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहाद बाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हां आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनो ने की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते हैं वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नसलन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्टार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टीवी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार हफ्तार वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गजब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबास्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फाह बाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम जरूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोखू किसू ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस ऑफटेयर पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस ऑफ्टेयर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस ऑफटेयर पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैब से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लैब में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनोनी की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्ल के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस ऑफ्टार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटीआर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदास आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो 2024 में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद फाज़िल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट एंड टमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खी ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है वो स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन वह प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रेहन की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के कपूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे तो फिर ये आपको यूटूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबास्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद फाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस ऑफटेयर पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस ऑफटेयर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस ऑफटेयर पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो तो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहा मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैब से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लैब में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनौनी की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस ऑफ्टार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूटूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर जरूर आएंगी क्योंकि ये सर टी आर पर काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा साहब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ के गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल है दो में इसे रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबास्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहाद बाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट एन टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खीसू ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो तो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहाँ मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यू जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनो ने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आईटी कर रही होती है वहाँ पे नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रूनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमलो है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद फाजिल श्याम पुष्करन और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लिड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अलताफ़ सलीम समीर खान गोखू खिस ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर होने की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लन के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बहते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूटूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदास आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हॉटस्टार पे वहाँ पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इसे वीडियो में करेंगे फिल्म का नाम दोस्तों प्रेमल हुए दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबस्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था फहद बाजिल श्याम पुष्करण और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रॉट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लेडी कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मथिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला भार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खी ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पाँच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टीवी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है वो स्टार गोल्ड रैम की टीवी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि तो यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव कर रहा है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लैफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहान करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रेहन की ममता ममिता बेजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रेनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रेनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्लिन के कपूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पर है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिजनी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि ये सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदा से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पे पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को ज़रूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस हफ्तार वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय करिए दिल को छू लेने वाली साउथ की गज़ब की मूवी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और फिल्म के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा और आप भी अगर इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको मिलेंगी वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने जा रहा हूँ तो अगर आप भी साउथ की रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो फिर ये मूवी आपके लिए ही बनाई गई है चलिए बात करते हैं फ़िल्म के बारे में कहाँ पर यह हिंदी में अवेलेबल है कब इसे यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे फ़िल्म का नाम दोस्तों प्रेमलू है दो में से रिलीज़ कराया गया था और ये जो फिल्म रही थी वो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर थी क्योंकि मूवी का बजट सिर्फ 9 करोड़ का था और कलेक्शन इस मूवी का 136 करोड़ का रहा था तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो है वो ब्लॉकबास्टर मूवी बनी है या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉक इस मूवी को प्रोड्यूस किया था वहाद बाजिल श्याम पुष्करन और दिलेश पोटन ने इसकी रेटिंग बहुत ही बढ़िया है दस में से आठ की रेटिंग इसे हासिल हुई थी और जो रोट टोमेटो है वहाँ पर नब्बे प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मूवी के अंदर दम ज़रूर है वरना इस फिल्म का जो इतना कलेक्शन है वो शायद नहीं होता कहानी भी इस फिल्म की जो है वो बहुत ही अच्छी है शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी आपको पूरी तरह से बांधे रखती है जो फिल्म के अंदर लीड कॉफ थी इसके अंदर आप सभी को नेस्लैंड के गफूर मतिमा बज्जू संगीत प्रताप अखिला बार्गवन श्याम मोहन मीनाक्षी रविंद्रन माथ्यू थॉमस अल्ताफ सलीम समीर खान गोफू खी ऐसे आपको दोस्तों जो है वो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलते हैं सभी का जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा इसका रन टाइम लगभग दो घंटे और छत्तीस मिनट का है और अच्छी बात दोस्तों ये है कि मूवी को हिंदी के अंदर पूरा डबेड किया गया है वो भी यहाँ पर गाने भी इस मूवी के अंदर डब किए गए हैं जो काफ़ी अच्छी बात लगी और इस मूवी को एक साथ पांच भाषा के अंदर रिलीज़ कर दिया गया है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जी हाँ आपने सही सुना ये जो फिल्म है वो आ चुकी है हिंदी के साथ साथ अन्य चार भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पे अगर आप लोग देखना चाहें तो मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो कुछ समय बाद ये मूवी दोस्तों आप सभी को जो है वो टीवी के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगी तो आप सभी लोग बहुत जल्दी ही इस मूवी को टी पर देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा चांस यही है कि मूवी आप सभी को जो है स्टार गोल्ड रैम की टी चैनल के ऊपर देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर डिजनी प्लस के पास पूरे राइट्स है तो काफ़ी ज़्यादा चांस यही बनते हैं कि ये फिल्म आपको अगर टीवी के ऊपर देखने को मिली तो स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेंगी कहानी मूवी काफ़ी सिंपल है एक लड़का जो है वो वन साइड लव करता है एक लड़की से हालांकि लड़की भी उसे पसंद करती है लेकिन वो बताती नहीं है लेकिन जब लड़का उसके लाइफ से दूर जाता है तो उसे एहसास हो ही जाता है कि उसके लाइफ में उस लड़के का कितना महत्व था अब वो उसे वापस पाने में लग जाती है वो सब कुछ आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है चलिए मैं आपको इसकी कहानी शॉर्ट वे में बताता हूँ मूवी के अंदर जो हीरो होता है इनका नाम सचिन होता है जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र होता है और वे अपने कॉलेज की लड़के से ही प्यार करता है लेकिन उन्हें प्यार में असफल हो जाता है इसके बाद वो यूके जाने की योजना बनाता है लेकिन वहाँ पर भी वो कामयाब नहीं होता है वहाँ पर भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती है घर पे लड़ाई सहन करने में असमर्थ होता है वहीं गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद आ जाता है दूसरी ओर रैनोनी की ममता ममिता बैजू जो कि हैदराबाद में आई कर रही होती है वहाँ पर नौकरी कर रही होती है सचिन रीनू जो होते हो वास्तव में उनकी मुलाकात कैसे हुई है और वह सचिन से इतना प्यार क्यों करती है जबकि रीनू के पास सब कुछ नहीं है जो कि रीनू चाहती है और बीच में जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम है जो कि ट्विस्ट है और कहानी बहुत ही बेहतरीन है जो बाकी है इस फिल्म के अंदर आपको दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया हमारे सामने वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी उन्हीं के साथ लव स्टोरी वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे साथ ही में कुछ यहाँ पर इमोशनल सीन भी है जो कि आपको बेहद इमोशनल कर सकते हैं और नायक के रूप में यहाँ पर नस्ल के गफूर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है इनका जो किरदार है वो बहुत ही बढ़िया है और इस किरदार के अंदर वो काफ़ी फिट भी बैठते हैं जैसे कि वो सीन जहाँ पर वो मासूम बनते हैं गुस्सा करते हैं कॉमेडी करते हैं सभी सीन दोस्तों दिल को छूते हैं और नस्लन के कपूर अपनी जो मासूम गति है उनसे आप सभी का दिल भी जीतते हैं दोस्तों अगर एक लाइन में कहूँ तो एक ऐसी फिल्म है जो कि आप अगर पूरी फैमिली के साथ देखना चाहें तो भी देख सकते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज़ दोस्तों, दोस्तों बहुत ही कम बनती हैं और जो बनती हो ब्लॉकबस्टर होती है इस कमाल की मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा डिजनी प्लस हफ्तार पे है जहाँ पर आप इसे हिंदी में इन्जॉय कर सकते हैं और अगर इस मूवी को दोस्तों यूट्यूब पर रिलीज़ कराया जाएगा तो मैं बता दूंगा फ़िलहाल ये मूवी यूट्यूब पर नहीं है लेकिन फ्यूचर में यूट्यूब पर आ सकती है इस मूवी के अगर मेकर चाहेंगे अगर इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने का प्लान करेंगे हो तो फिर ये आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकती है लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखना चाहें तो डिज़नी प्लस का सहारा आपको लेना पड़ेगा और अगर आप टीवी पर देखने की सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो फिल्म है वो कुछ समय बाद टीवी के ऊपर ज़रूर आएंगी क्योंकि इस सटी आर पे काफ़ी अच्छे मिलेंगे हो सकता है कि आप लोगों ने इस मूवी का कोई क्लिप रील्स देखा हो या फिर शॉर्ट देखा हो फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी इस पूरी मूवी को देखेंगे तो बिंदास आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिल्म है मैंने इसे काफ़ी टाइम पर पहले देखा था और पहले भी आपको एक रिव्यू दिया था तभी हमने आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी थी और आज भी यहाँ पर हम इस मूवी के बारे में आपको कुछ नया बताया है मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को जरूर देखेंगे तो अभी जाइए डिजनी प्लस पर वहां पर जाकर इस मूवी को एंजॉय करिए